हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या होता है। इन 1971 में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि प्रेगनेंसी को जो लोग कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, कंसीव कर लिया है उन्होंने पर वो टर्मिनेट कराना चाहते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कोई उनकी फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई सोशली कोई इशू है, इस वजह से क्या है वो टर्मिनेट कराना चाहते हैं प्रेगनेंसी को, या फिर कोई उनका पर्सनल रीज़न हो सकता है जिस वजह से क्या है वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो कि एक्ट कब लॉन्च हुआ है, ये 1971 में। तो आगे आइए, आगे हम पढ़ते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसको क्या है 1971 में क्या लॉन्च किया गया, इट इज़ मेड टू फैसिलिटेट सेफ अबॉर्शन। इसको क्या, ये किस लिए फैसिलिटेट किया गया, इसको सेफ अबॉर्शन करने के लिए कि हाँ प्रॉपरली सेफ हम क्या कर सकते हैं अबॉर्शन कर सकते हैं मदर्स का। वरना क्या होता है, चोरी छुपे लोग पहले के ज़माने में कराते थे, उनके पास प्रॉपर ये मतलब गैर कानूनी चीज़ है। तो ये क्या है मेडिकल टर्मिनेशन, इसीलिए एक्ट बनाया गया कि आप कानूनी तौर में लीगल तरीके से आप अबॉर्ट करवा सकें, सेफ अबॉर्शन आप करवा सकें। दिस एक्ट कम इनटू इफेक्ट सिंस 1 अप्रैल 1972। और इस जब ये 1971 में लॉन्च हुआ और इसका एक्ट हमें इफेक्ट कब देखने को मिला, 1 अप्रैल 1972 से क्या है ये कंटिन्यूएशन में आया और लोगों ने इस एक्ट के बारे में जाना। ठीक है, तब से ये एक्ट स्टार्ट हुआ। अंडर दिस एक्ट सम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर ऑथराइज्ड फॉर MDP सर्विस। क्या है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के दौरान क्या है, सम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनको ऑथराइज किया गया है MDP सर्विस देने के लिए। द फिजिशियन हैव टू रिसीव ट्रेनिंग फॉर MDP। और क्या है, जो कुछ फिजिशियंस हैं उनको ट्रेंड किया गया है कि अबॉर्शन कैसे होता है, क्या होता है, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग के दौरान को बताया गया है कि हम एबॉर्शन कैसे कर सकते हैं, उनके ही दौरान क्या है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना चाहिए। इसके 3 पॉइंट्स हैं जो कि मेन होते हैं MTP के, तो हैं कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन ड्यू टू विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। कंडीशन जो प्रेगनेंसी की कंडीशन पे हम देखेंगे कि किस वजह से क्या है पेशेंट है वो टर्मिनेट कराना चाहता है। सेकेंड पॉइंट, हु इज़ ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ टर्मिनेशन प्लेस, और उसके लिए ये ऑथराइज्ड भी होता है कि आप कैसे प्लेस पे क्या करा रहे हैं टर्मिनेशन, टर्मिनेट करवा रहे हैं प्रेगनेंसी का, मतलब वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, लाइसेंस्ड है उस हॉस्पिटल के पास या नहीं है, प्रॉपर उसका क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और वहाँ पे फिजिशियन होना जो भी होगा वो आप जो अबॉर्शन करने वाला वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, वेयर MTP कैन बी कंडक्ट, और MTP कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, आप किस जगह पे करा रहे हैं, लीगल तरीके से करा रहे हैं, इलीगल करा रहे हैं, आप एक प्राइवेट सेंटर पे करा रहे हैं या गवर्नमेंट सेंटर पे करा रहे हैं, किस तरीके से MTP आपकी कंडक्ट करी जा रही है, ये भी क्या होता है हमारा मेन पॉइंट है और इस एक्ट में यही जाना गया है। कंडीशन फॉर MTP, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं MTP की, कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस वजह से कराना पड़ सकता है। मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड में क्या आता है, व्हेन द कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी मींस रिस्किंग मदर लाइफ एंड हर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ लाइकली टू हार्म सीरियसली। क्या है मेडिकल ग्राउंड में क्या बताता है कि जो प्रेगनेंसी है वो क्या है, रिस्क है, जो प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रही क्योंकि रिस्क ऑफ मदर लाइफ, मदर की लाइफ में क्या है कुछ रिस्क आ रहे हैं, ऐसे कि उनकी शायद कुछ फिजिकल एबिलिटी मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं हो पा रही, जिस वजह से क्या है और कोई सीरियस कंडीशन भी हो सकती है जिस वजह से हमको क्या कराना पड़ रहा है वहाँ पे MTP कराना पड़ रहा है। ये होता है मेडिकल ग्राउंड, मतलब मदर या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है उस वजह से हम क्या है MTP कंडक्ट कराएं। ह्यूमिनेशन ग्राउंड, ह्यूमिनेशन ग्राउंड वेयर रेप इज़ द कॉज ऑफ प्रेगनेंसी। ह्यूमिनेशन ग्राउंड में क्या होता है, जो रेप की कंडीशन होती है उसमें क्या है, जब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराते हैं उसको हम ह्यूमिनेशन ग्राउंड बोलते हैं। अंडर एज किसी किसी का मतलब रेप की कंडीशन आ जाती है, या फिर एज में भी किसी किसी का जो रेप हो जाता है उस कंडीशन में हम जो कराते हैं
एमटीपी अबॉर्शन कराते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमिनेशन ग्राउंड। उसके बाद आते हैं अर्जेनिक ग्राउंड। अर्जेनिक ग्राउंड में क्या होता है, द वेयर द चाइल्ड इज लाइकली टू हैव सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी। अर्जेनिक में क्या है कि अर्जेनिक इमरजेंसी वाला कंडीशन है कि जो बच्चा है जो बेबी है वो क्या है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिस वजह से क्या हमको एमटीपी कराना पड़ रहा है, उसको हम अर्जेनिक ग्राउंड एमटीपी बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन एक आती है। सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड, वेयर द लाइफ ऑफ मदर इज़ थ्रेटेंड बाय सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, या फिर जो मदर है या फिर जो फैमिली है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जिस वजह से क्या है वो अपना एबॉर्शन कराना चाहते हैं, और मतलब वो प्रॉपर उस बच्चे की मतलब आफ्टर बर्थ क्या है वो उसका केयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होगी। तो इस वजह से जो एमटीपी कंडक्ट होती है उसको हम सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड बोलते हैं। अब आते हैं फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो भी उन्होंने मेथड्स यूज़ किए होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल के लिए, वो कोई भी फेल हो जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिस वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या है एमटीपी कंडक्ट कराते हैं, उसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। वेयर द कॉजेज प्रेगनेंसी इज टू बी द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, द मदर इज हर्ट मेंटली, जिसके है मदर कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी डिवाइस वो यूज़ कर रही है वो फेल हो चुका है जिस वजह से क्या है उसको एमटीपी की कंडीशन मतलब कराना पड़ रहा है उसको। अब उसके बाद आते हैं पर्सन ऑथराइज्ड फॉर एमटीपी, कुछ पर्सन्स होते हैं जो ऑथराइज्ड किए जाते हैं एमटीपी के लिए, वो हम देखते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी दैट इज 12 वीक ओल्ड। क्या है कि जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि वो टर्मिनेट करवा सके प्रेगनेंसी को, दैट इज़ 12 वीक ओल्ड। ठीक है, जो 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसको क्या है टर्मिनेट कराने के लिए गायनोकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, वो प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, उसके पास वेल प्रैक्टिस्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट में, वाइल फॉर अ प्रेगनेंसी दैट इज़ 20 वीक ओल्ड, जो क्या है प्रेगनेंसी है वो 20 वीक ओल्ड है, उसकी टर्मिनेशन कराने के लिए हमें 2 गायनोकोलॉजिस्ट होनी चाहिए जो कि मेन परफेक्ट होनी चाहिए और उनको ट्रेंड होनी चाहिए, वेल ट्रेंड, वो हमारी क्या कराएंगी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक में 1 गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे वर्क करेगी, और 12 वीक से ज़्यादा होगी जो 20 वीक से ओल्ड होगी प्रेगनेंसी उसमें क्या है 2 गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे क्या करेंगी एमटीपी कंडक्ट कराएंगी। प्लेस ऑफ एमटीपी आर एंड कंसर्नड, क्या है प्लेस ऑफ एमटीपी एंड कंसर्नड, क्या होता है एमटीपी कैन बी कंडक्ट इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल। एमटीपी कंडक्ट होती है कहाँ पर, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर, पर वो सर्टिफाइड होना चाहिए चीफ मेडिकल ऑफिसर से ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज एसेंशियल फॉर इट, और क्या है वहाँ पर जो वो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ वो एमटीपी वहाँ पर कंडक्ट करा सके, और उनके पास प्रॉपर ट्रेंड पर्सन और जो गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ठीक है, वुमेन शुड बी एन एडल्ट एंड शी शुड साइन द लेटर ऑफ कंसर्न, जो वुमेन है वो जो एमटीपी करा रही है उसके हमें कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो ज़रूरत तो मतलब ज़रूरी होता है अगर वो एडल्ट है खुद साइन करने लायक है तो वो कर सकती है, अंडर मतलब कि वो इन एवब 18 ईयर है तो वो खुद अपना कंसर्न साइन कर सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ गर्ल्स लेस देन 18 ईयर ऑफ एज और मेंटली इल पर्सन रिटन कंसर्न फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्जियन इज नेसेसरी, जो भी गर्ल्स होती हैं जिनका रेप का कंडीशन हो जाता है, जो 18 साल से नाबालिग जो लड़कियां होती हैं अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो उनका कंसर्न साइन उनके पेरेंट्स कर सकते हैं और गार्जियन के थ्रू हम उनका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं, या फिर कोई मेंटली इल पर्सन है उसके साथ ऐसी कंडीशन आ गई इसमें भी क्या है उसके पेरेंट्स और गार्जियन क्या है वो साइन करते हैं कंसर्न लेते हैं, उसके बाद ही हम उनका एमटीपी कराते हैं। और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या है कॉन्फिडेंशियल ही रखते हैं, हम किसी के साथ उसको शेयर नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो भी और भी देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे डली हुई हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसका नोट्स बना सकते हैं। ये कम्युनिटी का
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो प्रोग्राम्स हैं उसमें ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टॉपिक है, आता भी है मोस्टली एग्ज़ाम्स में आ जाता है। तो आप इसको एक छोटा शॉर्ट नोट्स की तरह मैंने इसको बनाया है और आप भी इसको बना सकते हैं और लिख सकते हैं। थैंक यू।